रूस यूक्रेन युद्ध का 46वां दिन, यूक्रेन के खार्कीव पर रूसी सेना ने की बमबारी, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन में रूस के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का कहर, तबाह किए यूक्रेनी सेना के सैन्य उपकरण। खार्कीव में रूसी सेना का दबदबा, यूक्रेन के टैंक पर रूस के सैनिकों ने किया कब्जा। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों का ऑपरेशन जारी, यूक्रेन की अजोव बटालियन के साथ आमने सामने की लड़ाई में की भारी गोलीबारी। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला, टैंक से रिहायशी इलाकों पर किया हमला। रूसी सेना ने यूक्रेनी टैंकों पर किया ड्रोन अटैक, घात लगाकर हमला करने वाले सैनिकों पर किया हमला। एक दिन में रूसी सेना ने खार्कीव पर किए 50 बार हमले, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान, 15 नागरिक घायल। जंग के बीच खार्कीव के बाहरी इलाकों में रूसी टैंकों की तैनाती, कीव से खार्कीव की ओर भेजे जा रहे हैं टैंक। यूक्रेन पर रूस का एक और हमला, हमले में नाइट्रिक एसिड का टैंक तबाह, रूबिजन के पास हमले में यूक्रेन को नुकसान। बुचा से लगातार सामने आ रहा है नरसंहार की तस्वीरें, बुचा में 5 शव और मिले जिन्हें मार दिए गया, सिर में गोली मारी गई। यूक्रेन की वायुसेना का दावा, एक दिन में मार गिरा है रूस के 13 हवाई वाहन, तबाह हुए वाहनों में 3 प्लेन 1 हेलीकॉप्टर शामिल। रूसी हमलों के बीच कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। बुचा नरसंहार के बाद जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान, कहा रूस के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन अब भी तैयार। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना का आक्रमण जारी, रूसी सैनिकों का साथ दे रहे रूसी टैंक और दूसरे अत्याधुनिक सैन्य वाहन। लगातार रूसी हमलों से दहला मारियोपोल, शहर छोड़ जाना चाहते हैं मारियोपोल के नागरिक, हर दिन हो रहे हैं रूस के हमले। यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में उतरे आम नागरिक, बर्किन के उस शहर में रूसी सेना से निपटने की तैयारी, यूक्रेनी सेना ने कहा लड़ने के लिए काफी संख्या में लोग, हथियारों की जरूरत। युद्ध प्रभावित लोगों के लिए ग्रीस में चैरिटी मैच सीरीज का आयोजन, यूक्रेन में युद्ध की मार झेल रहे लोगों की मदद को की जाएगी मैच से हो रही सारी कमाई। यूक्रेनी सांसद का दावा, चर्निहिव में भी मिली सामूहिक कब्र, करीब 700 कब्रें होने का दावा, तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे रूस के किलर ड्रोन, यूक्रेनी सेना के अजोव बटालियन पर किया अटैक, तबाह किए गए सैन्य उपकरण। रूस को यूक्रेनी सेना का करारा जवाब, मार गिराया रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर। खार्कीव में दिखे रूसी सेना के छोड़े हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, यूक्रेनी सेना ने रूस पर लगाया नागरिकों पर हमला करने का आरोप। लुहांस्क में रूसी सेना के हमले में गैस स्टेशन समेत कई इमारतें तबाह, पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ। यूक्रेन से लगातार लोगों का पलायन जारी, ओडेसा से रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थी, अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रोमानिया में शरण। यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया रूस का गोला बारूद, डिपो सामने आया हमले का वीडियो, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। शाहबाज बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, विपक्ष की घोषणा के बाद भरा नामांकन, बिलावल बन सकते हैं विदेश मंत्री। इमरान खान ने सत्ता बचाने के लिए तमाम कोशिशों के बाद पाकिस्तान में गिर गई इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े। पाकिस्तान के सियासी पिच पर बोल्ड हुए इमरान खान, सरकार गिरने के बाद इमरान ने अपनी कोर कमेटी की बैठक की। श्रीनगर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, ऑपरेशन जारी। राहुल के दावों पर मायावती का पलटवार, कांग्रेस ने कभी नहीं किया दलितों के लिए काम, अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। गृहमंत्री अमित शाह ने बनासकांठा के नराबेट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर व्यूइंग प्वाइंट का किया उद्घाटन। जेपी नड्डा ने शिमला में नगर पार्षद और अन्य नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्य से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तब हिमाचल के हितों का हनन हुआ। आज से देशभर में 18 साल से और उससे ऊपर के लोगों को दी जा रही है प्रिकॉशन डोज, प्राइवेट वैक्सीन सेंटर में लग रहे डोज, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दाम घटे। गुजरात के उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर कन्या पूजन किया। पुणे में कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाला और भगवान गोपीनाथ महाराज आश्रम का उद्घाटन किया। नोएडा में ट्विन टावर गिराने का ट्रायल, 5 किलो विस्फोटक की मदद से इमारत की 5 पिलर को गिराया गया, 22 मई को इमारत को पूरी तरह किया जाएगा जमींदोज। यूपी सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दी, स्कूल 10% तक बढ़ा सकते हैं फीस।
मुंबई में काली पीली टैक्सी से सफर करना हो सकता है महंगा। सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से टैक्सी यूनियन ने आरटीओ को किया बढ़ाने का प्रस्ताव। न्यूनतम किराया 30 रुपए करने की मांग की। गुरुग्राम में गौ तस्करी का आतंक, गौ तस्करों ने गौरक्षकों पर फायरिंग की, 5 आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सलियों की नापाक मंसूबों पर फिरा पानी, सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद किया 10 किलो का ईडी, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। एटा में ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को मारी गोली, सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है।